नमस्कार दोस्तों, ओल्डेस्ट प्रोडक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सीताराम। दोस्तों आज की वीडियो में बात करते हैं सबसे अच्छा बेस्ट एलम्बिक क्लेम, यानी दोस्तों हमारा जो डिश एंटीना होता है, यहाँ क्लेम देख रहे हो, ये क्लेम हमारी एलम्बिक से टूट जाता है तो हम लोकल जो एलम्बिक क्लेम होते हैं वो लगाते हैं। लेकिन जो लोकल एलम्बिक क्लेम में जो आने वाली जो प्रॉब्लम होती है वो मैं आपको बताऊँगा, और जो नए जो ओरिजिनल एलम्बिक क्लेम होते हैं उनमें कोई समस्या नहीं आती है और हमारा जो एलम्बिक होता है बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे बड़ा चोकर और छोटा चोकर एलम्बिक क्लेम लेके आया हूँ, जहाँ दोस्तों उसकी मैं आपको अनबॉक्सिंग करूँगा और मैं आपको बताऊँगा दोस्तों कि आप लोकल जो एलम्बिक क्लेम लगाते हैं और ओरिजिनल एलम्बिक क्लेम लगाते हैं उनमें दोस्तों क्या फ़र्क होता है। तो जानकारी के लिए दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखना होगा, पूरा सेटअप मैं आपको करके इस वीडियो में बताऊँगा। यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो एलम्बिक क्लेम आप देख रहे हैं वो ये देखिए, मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखा रहा हूँ। ये आपको थोड़ा सा लो क्वालिटी का एलम्बिक क्लेम है, लोकल होता है। जब हमारा जो डिश एंटीना आता है उसके साथ ओरिजिनल एलम्बिक क्लेम आते हैं। अगर हम ऐसे एलम्बिक क्लेम लगाते हैं तो हमारा जो डिश एंटीना में हमें क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, मैं पूरा सेटअप आपको करके बताऊँगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये एक ही जो लोकल मार्केट से परचेज किया है और इसकी जो कॉस्ट है 5-6 रुपये कॉस्ट है, और ओरिजिनल की कॉस्ट मैं आपको आगे बताऊंगा ओरिजिनल। लेकिन सबसे पहले इस जो लोकल एलम्बिक क्लेम का सेटअप और ओरिजिनल एलम्बिक क्लेम का सेटअप आप देख लीजिए कि दोनों में क्या फ़र्क है। ये लोकल होता है और लोकल में दोस्तों यहाँ कुछ ग्रिप वगैरह नहीं होते हैं, और इसकी जो क्वालिटी है मैं आपको बताऊँ, ये देखिए इस टाइप से ये टूट जाता है। थोड़ा सा आप दबाओगे तो ये टूट जाएगा, ये देखिए थोड़ा सा कि अगर आप गर्मी में रहोगे तो ये चटक जाएगा, इस टाइप से ये चटक जाएगा, कोई भी मतलब नहीं रहेगा। तो अगर हमारा जो डिश एंटीना का जो एलम्बिक क्लेम टूटता है तो लोकल होते हैं तभी ये टूटते हैं, जो मैंने आपको तोड़ के बताया है, और ओरिजिनल को मैं आपको बताऊँगा कि ओरिजिनल आपका टूटेगा नहीं। अब मैं आपको थोड़ा सा सेटअप करके बता देता हूँ कि जो लोकल में क्या होता है। ये देखिए यहाँ, जैसे मान लो ये एलम्बिक होती है, एलम्बिक को हम ऐसे लगाएंगे और जो हमारा ये कैप होता है इस कैप को हम ऐसे लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मान लो हमने ये लगा लिया और जो बोल्ट और ढेबरी होती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बोल्ट और ढेबरी होती है, ये ढेबरी दोस्तों यहाँ अगर हम डालेंगे तो ये गोल है, इसमें पूरा फिक्स नहीं होगा। जैसे जैसे हम टाइट करते जाएंगे बोल्ट को, ये देखिए यहाँ बोल्ट को हम टाइट करते जाएंगे तो जो ये देखिए यहाँ थोड़ा सा टाइट जाएगा, और ये देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो इसमें इतना दिक्कत आती है, ये देखिए लोकल वाले में ये छेद हैं, इसमें फिक्स नहीं आएंगे। देखिए लोकल के छेद भी होते हैं और ओरिजिनल के छेद भी होते हैं, ये फिक्स नहीं आते हैं। और जो जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना, ये ग्रिप में ये जैसे जैसे हम टाइट करते जाएंगे तो ये घूमता जाएगा, ये प्रॉपर घूम जाएगा, ये देखिए ऐसे घूम जाएगा, और आपका जो एलम्बी है वो एकदम लूज रहेगा। फुल टाइट कर लोगे ना दोनों बोल्टों को तभी भी आपका लूज रहेगा। और दूसरा गैप दोस्तों मैं आपको लोकल में ये बताना चाहूँगा, अगर आप इन दोनों को भी मिलाओगे ना, तो जैसे मान लो इसका छेद इतना फ़र्क आपको डिफरेंस रहेगा लोकल में और ओरिजिनल में। ये देखिए दूसरा गैप मैंने आपको बता दिया, इतना फ़र्क रहेगा। अब जो ओरिजिनल है, ये देखिए ओरिजिनल लोकल में इतना फ़र्क रहेगा, ताकि आप जब एलम्बी लगाओगे तो आपका एलम्बी लूज रहेगा, प्रॉपर तरीके से टाइट नहीं होगा, और लोकल ये इतना फ़र्क आता है, ये देख लीजिए यहाँ टेढ़ा फ़र्क आ रहा है ना, ये फ़र्क नहीं आना चाहिए। अब मैं आपको जो ओरिजिनल है एलम्बी क्लेम, छोटा चोकर बड़ा चोकर, वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने कि 500 पीस का जो बैग होता है वो बैग मैंने यहाँ मंगवाया है, इसमें 500 पीस आते हैं। ये देखिए इस टाइप के एलम्बिक क्लेम आते हैं, और मैं आपको सारे एक एक करके निकाल के बता रहा हूँ। तो ये पीस होते हैं दोस्तों ओरिजिनल वाले, यानी ओरिजिनल की जो पैकिंग है 25 पीस की पैकिंग आती है इस तरह की, और मैं आपको बाहर भी निकाल के बताऊँगा। ये आपका छोटा चोकर है और ये बड़ा चोकर है, 25 पीस की पैकिंग है। तो सबसे पहले मैं आपको छोटा चोकर बताना चाहूँगा, ये देखिए 500 पीस बहुत सारे होते हैं, एक पीस में 25 पैकेट आते हैं तो 500 पीस है। तो सबसे पहले आप छोटा चोकर होता है वो एलम्बिक क्लेम देख लीजिए, लोकल को हम साइड में करेंगे, अब मैं आपको ओरिजिनल बताता हूँ। और इसकी जो कॉस्ट है वो भी मैं आपको बताऊँगा, आपको 15-16 रुपये में अप्रोक्स मिल जाएंगे, और साथ में आपको इसके बोल्ट भी मिलेंगे, जो मैंने आपको बोल्ट लगाए हैं वो बोल्ट भी मिलेंगे इसमें। ये देखिए
यहाँ जो एलएमबी क्लेम है इसकी जो क्वालिटी अगर आप देखोगे, सारे किसी को भी उठा के देख लो, सबकी क्वालिटी बहुत बेस्ट है। अब ये देखिए मैं आपको एक निकाल के बता रहा हूँ और पूरा सेटअप करके बताऊँगा, और आप लोकल में ओरिजिनल में देख लेना कि दोनों में क्या फ़र्क है। ये देखिए, अब यहाँ देखिए ये जो एलएमबी क्लेम है इसकी जो क्वालिटी है वो देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी है, ये देखिए। और जो यहाँ जो ग्रिप है, जो मैंने आपको ग्रिप बताई, ये ग्रिप देख लीजिए, बिल्कुल अच्छे ग्रिप है, ये देख लीजिए, ताकि आपके बोल्ट आराम से लग जाए। ये देखिए बहुत ही बेस्ट है। और जो ये वाली जो क्वालिटी है ये भी बहुत अच्छी है, यहाँ देख सकते हो। और दोनों का जो अगर मिलान आप देखते हो तो दोनों का मिलान बिल्कुल एक्यूरेट होगा, ये देख लीजिए, बिल्कुल एक्यूरेट दोनों का मिलान है। ऐसा नहीं है कोई आगे हो कोई पीछे हो, देख लीजिए बिल्कुल सेम है। ये देखिए बहुत ही बिंदास एलएमबी क्लेम है। और अगर मान लीजिए आप इसमें बोल्ट लगाना चाहोगे तो दोनों बोल्ट आराम से आसानी से लग जाएंगे। देखिए ये आराम से लग चुके हैं। जैसे उसमें दिक्कत आई थी लगाने में, तो वैसे इनमें दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए दोनों बोल्ट आराम से आसानी से लग जाएंगे। ये देखिए दोनों बोल्ट आराम से आसानी से लग जाएंगे। दोनों बोल्ट हमें साथ मिलते हैं, आपको ये बोल्ट ढेर भी लेने की जरूरत नहीं है। अब ये आपने देखा ओरिजिनल पीस, ये छोटा चोकर है दोस्तों, ये 15 रुपये के अप्रोक्स मैंने यहाँ परचेज किया है। और इसकी जो क्वालिटी है वो आप देख सकते हो, ये देखिए इसकी क्वालिटी में इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारा जो पीछे का फ्रंट है ये टूटता है, और इसकी जो मोटाई है आप यहाँ देख सकते हो कि दोनों की मोटाई में क्या फ़र्क है। ये आपका लोकल है, ये ओरिजिनल है। अगर ये पूरा वीडियो अगर आप देखते हो तो आप समझ पाते हो कहाँ आपका 5 रुपये का पीस है। दोस्तों कस्टमर से चाहे पैसा ले लो आप, मैं इसे मुझे 15 रुपये में मिलता है, लेकिन कस्टमर को मैं 50 रुपये का लगाता हूँ। कंपनी से भी दोस्तों ये 50 रुपये का एलएमबी क्लेम लगता है। तो अगर आप 15 रुपये से 50 रुपये आराम से आसानी से कमा सकते हो अगर आप ऐसे ओरिजिनल क्लेम रखोगे तो। अगर लोकल क्लेम आप 5 रुपये का परचेज करते हो और 50 रुपये का लगाते हो तो दोस्तों कस्टमर का क्लेम टूटता है तो कस्टमर को भी दुख होता है। इस क्लेम को दोस्तों आप इतना आप जल्दी टूटेगा नहीं, चाहे आप इसके थोड़ा मोड़ के देख लेना, क्योंकि जो इसकी जो मोटाई है, इसका जो फाइबर है बहुत ही अच्छा है। ये देखिए सारी चीज़ें आप देख सकते हो, यहाँ की लाइनिंग है, अंदर की जो लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग है और यहाँ की लाइनिंग है, सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ये छोटा चोकर हुआ दोस्तों, ये मैंने 15 रुपये में परचेज किया है, साथ में ये दोनों बोल्ट हमें मिलते हैं, डेवरी मिलती है, देखिए ये वाला। अब मैं जो आपको जो बड़ा चोकर एलएमबी क्लेम है वो मैं आपको बताता हूँ, बड़ा चोकर कि उसकी जो क्वालिटी है क्या है। ये हमारा छोटा चोकर की क्वालिटी है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो पीस आप देख रहे हो 25 पीस का पैकेट है, बड़ा चोकर है। जो मैंने पहले आपको छोटा चोकर बताया, ये बड़ा चोकर है। ये देखिए, ये जो दोस्तों आपका जो डिश टीवी की फिटिंग होती है, सन डायरेक्ट की फिटिंग होती है, पुरानी फिटिंग, उसमें दोस्तों ये लगता है, वीडियो कॉन की पुरानी फिटिंग में लगता है। ये पीस कम काम में आता है, छोटा चोकर आजकल सभी उसमें लग जाता है। ये देखिए सारे पीस में आप देख लेना, बहुत ही अच्छे हैं, एक पैकेट में 25 पीस आते हैं। अब यहाँ बड़ा चोकर की बात करते हैं तो बड़ा चोकर आप देख लीजिए, इसकी जो क्वालिटी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह की पैकिंग में आता है और इसकी जो फाइबर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी मोटाई में है। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग है, ऐसा नहीं है फिनिशिंग नहीं है। यहाँ का पीछे का गैप आप देख सकते हो, जहाँ बोल्ट वगैरह हम लगाते हैं, ये देखिए डाई वगैरह, ये देखिए। और जो ऊपर का है ये आप देख सकते हो, ये देखिए पूरी फिनिशिंग है, आपका एक्यूरेट मिलेगा। ये देखिए जहाँ जो सेंटर आपका ये है तो यही सेंटर आपका मिलेगा। ये देखिए आपका जो एलएमबी है वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहेगा, ये आप देख सकते हो, पूरा एक्यूरेट मैंने आपको बताया। ये भी दोस्तों 15 रुपये का एप्रोक्स आपको मिल पाता है। अगर लोकल मार्केट से परचेज करोगे, लोकल वाला तो 5-6 रुपये में आपको मिलेगा, लेकिन लोकल वाला टूट जाता है। मैं यहाँ इसे ओरिजिनल ही परचेज करता हूँ और ओरिजिनल ही लगाता हूँ। कस्टमर के अगर आप एक एलएमबी क्लेम लगाते हो तो कस्टमर इस क्लेम को देख के आपको 50 रुपये आराम से आसानी से दे सकता है, लेकिन कस्टमर का काम अगर आप सही करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे। अगर आप कस्टमर को लूटने की कोशिश करोगे तो दोस्तों आपको दोबारा कोई नहीं बुलाएगा। अगर आपको दोस्तों कई लोगों के सवाल थे कि आप प्राइस नहीं बताते, तो मैंने यहाँ 15 रुपये प्राइस बताई है। किसी को अगर परचेज करना है तो वो लोकल मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, अगर नहीं मिले तो मेरे से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही क्लेम दोस्तों मैंने आपको बताया है, छोटा चोकर बड़ा चोकर, देखिए दोनों की क्वालिटी आप यहाँ देख सकते हो। थोड़ा सा मैं साइड में कर देता हूँ इनको, और ये दोनों की क्वालिटी आप देख लो, बड़ा चोकर और छोटा चोकर दोनों एलएमबी क्लेम। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो और अपडेट की जानकारी आपको मिले। अगर दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ पूछना है, कुछ आपके सवाल हैं, तो मुझे कमेंट करना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा।